बिदनू में पत्नी ने पति को उतारा मौत के घाट, कमरे के अंदर दफनाने का कर रही थी प्रयास। मौके पर पहुंची बिदनू पुलिस ने आरोपी पत्नी को हिरासत लिया। ग्राम सुरौली थाना बिदनू के अंतर्गत एक पत्नी जो मोनिका यादव है अपने पति उमेश की हत्या अपने कमरे में ही गला घोंट कर दिया और साथ ही साथ उसकी बॉडी को जमीन में आधा गाड़ दिया था। इसमें तत्काल पुलिस को सूचना मिली, मौके पर पहुंची और एफएसएल टीम साथ ही साथ बॉडी का पंचायतनामा कर मॉर्चरी पीएम हाउस भेजा गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। माता जी, क्या नाम आपका? अच्छा, किस गाँव की निवासी है? किस गांव के हैं आप? हम? हाँ, जाना चाहो तो गाजीपुरा से। नहीं, ये आपका गांव कौन सा है? सुरौली। सुरौली, सुरौली गांव है। अच्छा, क्या घटना आपके बच्चे के साथ हुई है? हमारे बच्चे के साथ सोवत में मार गई। किसने? बहू ने। कब किया घटना? रात में। आज रात में। फिर कैसे क्या घटना किया है? फिका ऊपर खोद के गाड़ती थी। कहाँ पर? अंदर, घर के अंदर। आपको कैसे जानकारी कैसे हुई थी? हमको जानकारी भाई, हम हिनाए थे तो टालते थे, जब हमारा लड़का नहीं दिखाया तो हमने पाप किया कि ये कुछ करते ही समय लेकर होते, तब हमने शक करो तब जाके करो ऐसा। पुलिस को सूचना किया था आपने? हाँ। अच्छा, पुलिस कहाँ से आई थी? बिदनों से। जब हमने गेट खुला रही हैं, सब घर भर खुला रहे हैं, नहीं खोल रही तो हमारे शंका ना हुई है। जब गेट नहीं खोली तब हम पुलिस बोला। अच्छा, बहू ने आपके ऐसा घटना क्यों किया? क्या का मुख्य कारण क्या था? वो क्या कारण कुछ न रहा है। नहीं, ऐसा हत्या क्यों किया ये कुछ आपका कुछ न कोई जानकारी की? हम मार डाल तो बस यही बात है। ये बराबर कहती थी? हाँ। अच्छा, जब ये हत्या हुई है तो घर में कौन कौन मौजूद था? आप घर में नहीं रहती क्या? भैया हम होन रहती हैं बड़ी दूर, हमें भगा दी थी 10 साल से। वो दून आदि चार लड़का हमारे लाइन तार घर बने चार के अलग अलग। अच्छा। अलग रहती थी तो इसको कौन दिक्कत रहा है, है? तो कब मने का मार डाली, मार डाली खोदे गाड़े रहा है, खोदे गाड़ दिया। हाँ, अभी निकालू मैं, पुलिस निकाल। अच्छा, पुलिस निकाल, पुलिस ने खोद के निकलवाया है। अच्छा, अभी कौन कौन सा पकड़ा, कौन कौन गया, मौके से कौन कौन पकड़ा गया है? पकड़ो को जाई, जब वो खुद सूता मार हुई तो दूसर को पकड़ो जाई। अच्छा, बहू आपके मौके में थी? हाँ, मौके पकड़ पुलिस पकड़ गई तो पुलिस ले गई पकड़। हाँ, वो एक ऊपर बैठ गई चढ़ी। हाँ, वो ऊपर चढ़ी बैठ रही। अच्छा, मेरे दायरा भैया है, सब तो उतार कर खोज गाड़ी रहा। ठीक जी, क्या जानो। क्या नाम है आपका? सोबित यादव। अच्छा, किस गांव के निवासी हैं? सरौली। क्या घटना आपके साथ चाचा के साथ में हुई है? कुछ नहीं पता, स्कूल में थे। आप स्कूल में थे? नहीं, क्या घटना क्या हुई है? लड़ाई होती थी चाची चाचा की। अच्छा, फिर तो गेट बंद करके उनको मार दिया। किसको? चाचा को। क्या नाम है उनका? उमेश। और तुम्हारे चाचे क्या नाम था? मोनिका। मोनिका, तो आए दिन के विवाद होता था क्या? नहीं। ये कब घटना क्या हुई है? 2-3 दिन के बाद यह घटना हुई, मतलब कि लड़ाई होती रही, आज घटना क्या हुई है? ये रात में किया घटना? हाँ। अच्छा, पुलिस मौके में आई थी क्या? पुलिस अब कीन गया तो आई रहा, पुलिस तो आई कीन करवाओ। क्या घर के अंदर गाड़ दिया था? पहले डैडी आए और हम घर पे ही थे, मम्मी डैडी आए सब्जी लेकर, डैडी ने मम्मी को 2 थप्पड़ मारे थे, पटके पुटका हो गए तो हमने छुटाने की कोशिश की, हमको भी लग गए और उत्कर्ष को भी लग गए। फिर हम लोग एक कोने में रोने लगे, फिर मम्मी, फिर इन दोनों की लड़ाई होती रही, फिर बटबट की आवाज़ आती रही, तुम लोग एक कोने में रोने लगे और फिर इसके बाद में बटबट बटबट की आवाज़ आने लगी। फिर मम्मी निकली, तुम समझ गए थे कि शायद इन्होंने ही मारा होगा, तुम ये नहीं कह पा रहे हो। नहीं तो कब, रात में था कि दिन में? दिन में। दिन में इतने ही समय, इतने ही समय। फिर ये कहाँ पर, कमरे के अंदर था घर के बाहर कहाँ पर था? कमरे के अंदर। कमरे के अंदर। कमरे के अंदर क्या कर रही थी मम्मी? मम्मी चुपचाप किचन में बैठी थी, हमने पूछा तो कुछ नहीं बताया, मार के तब किचन में आई। अच्छा।
ते कल दिन में आए कल दिन एक ही समय बात बोलते रही है। फिर भी तुम बता देती कौन थी। तो ये बेड जो टूटा पड़ा है बेड का क्या था, बेड किसने तोड़ा? पहले से टूटा हुआ आया बेड, ये पहले टूटा है, टूटा हुआ आया था। नहीं तो जहाँ ये गड्ढा किया गया है तो ये बेड कहाँ, उसी कमरे में? हाँ वही, जहाँ गड्ढा है ना वही बेड हटा के तब गड्ढा करी। फिर अच्छा गड्ढा किसने किया है? गड्ढा गड्ढा के बारे में खड़बा खड़ा की आवाज आ रही थी, मम्मी ने शायद किया होगा। वो लोग कोई घर में आया नहीं था, मम्मी ने किया है? कोई घर में भी नहीं आया था, मम्मी ने किया है। घर में कोई नहीं था? कोई नहीं था, सिर्फ हम उत्कर्ष, मम्मी डैडी बस। बेटिया क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम लिया है, मेरे भाई का नाम उत्कर्ष है। अच्छा बेटा तुम्हारे पापा के क्या साथ क्या घटना हुई है? हम स्कूल से आए थे, पहले तो सुबह डैडी खाना खाकर चले गए, फिर सब्जी लेकर आए, फिर हम स्कूल चले गए थे। फिर स्कूल के आने के बाद हमने पूछा कि हमारे डैडी कहाँ हैं, हाँ तो वो कह रहे थे कि कानपुर चले गए। तो हमने कहा ठीक है, फिर हमने खाना खाया, फिर जब तक अंधेरा हो गया फिर हम चुपचाप सो गए। फिर जब सुबह देखा हाँ तो फिर मेरे डैडी मर गए थे। फिर हम किसने मारा था, कहाँ पर मिले थे डैडी? यहाँ पर मिले थे, घर के अंदर, कमरे के अंदर। अच्छा गड्ढा वगैरह खोदा था क्या, जानकारी मिल रही कि गड्ढा वगैरह खोद के गाड़ दिया था क्या है? हम इसके लिए हम नहीं जान पाए, बस इतना बता सकते हैं कि वहाँ पर गड्ढा है। अच्छा गड्ढा है। अच्छा तो ये कब घटना हुई है, पापा कब मरे हैं आपको, कब जानकारी हुई है? आज, आज रात में। अच्छा अच्छा तुम जब ये पापा तुम्हारे जो घटना हुई है तो पापा तुम्हारे मतलब जो है कहाँ गए थे, मम्मी तुम्हारी कहाँ पे थी? मेरी मम्मी यहाँ पर थी। मम्मी यहाँ थी घर के अंदर? नहीं वहाँ पर बैठी थी और फिर हमारे पास आकर पड़े थे तो हम लोग सो गए थे। फिर हमको इसके बाद कुछ नहीं पता। फिर कुछ नहीं पता।